हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव एक्सपो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोवा क्रिस्टा का 2.4 वी वेरिएंट, वीएक्स वेरिएंट आप कह सकते हैं। तो इसके वीडियो में इस कार का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इस कार में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उसके पास भी 2.4 वी वेरिएंट है इससे पहले वाली नोवा क्रिस्टा की, तो मेरे को काफ़ी हद तक चेंजेस पता चल चुके हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेड, ये इसके हेडलैम्प्स हैं जो वही सेम है, प्रोजेक्टर मिल जाता है आपको वाइट कलर, हेलोजन लैंप बल्ब आपको यहाँ मिलेगा। ये इसके DRLs हैं, क्रोम लाइनिंग आपको पहले तो क्या था, खाली हेडलैम्प के अंदर ही क्रोम, जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर हेडलैम्प में ही मिलती थी, अब यहाँ थोड़ा इन्होंने कंटिन्यू करके फ्रंट ग्रिल पे भी दिया है। ये फर्स्ट चेंज है, दोनों साइड आपको ये मिलता ही है। सेकेंड चेंज है इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये काफ़ी अब बड़ी कर दी है, पहले आती थी दो ग्रिल, ये पहले सिंगल ग्रिल थी अब दो करी हैं। पहले क्या था, यहाँ से एक सिंगल ग्रिल आती थी वहाँ पे दोनों में, इसमें इन्होंने डबल कर दिया। टोयोटा की बैजिंग आपको सेंटर में मिली जाती है। यहाँ पे आपको ये ग्रे कलर में आपको पियानो मैट फिनिश तो नहीं है, ग्लॉस में ही है पर ग्रे कलर है। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाती है इसकी लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट, ये इसकी रेडिएटर ग्रिल है। फ्रंट में इसमें आपको सेफ्टी के लिए दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। इंडिकेटर प्लेसमेंट अब यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे पहले फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट थी, फॉग लैंप्स इसके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। इसमें पहले हेलोजन फॉग लैंप्स आते थे, अब इसमें LED फॉग लैंप्स आने लग गए हैं। तो इसके हम अलॉय व्हील्स भी इन्होंने चेंज कर दिए हैं। अपोलो के इसमें टायर हैं, टायर साइज है 205/65R16 के टायर साइज है, अपोलो के टायर हैं। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, रेयर में इसमें वो ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। बाकी आप अलॉय का डिज़ाइन देखें तो काफ़ी अब तक आपको ग्लांजा से मिलता हुआ मिलेगा। और रेयर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर में आपको स्पॉइलर इसमें मिली जाता है, नीचे आपको इसके रेयर टेल लैंप्स है जिसमें आपको बल्ब मिलते हैं दोनों, ये इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट प्लेसमेंट मिलेगी। इनोवा क्रिस्टा इसमें लेफ्ट साइड पर लिखा गया, राइट साइड में मॉडल की बैजिंग है 2.4V। टोयोटा का लोगो सेंटर में मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट लाइसेंस प्लेट के ऊपर है। चारों पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं पीछे आपको विद 2 डमी रिफ्लेक्टर्स। स्पेयर टायर इसका ये रहा, रिम टायर मिलेगा और टायर साइज है 205/65R16, सेम टायर साइज है, बाकी इतनी बड़ी गाड़ी में टायर छोटा भी नहीं कर सकते। स्पॉयलर पर ही आपको ब्रेक लैंप मिलेगा, शाफ्ट एंड एंटीना भी इस वेरिएंट में आपको मिल रहा है। बाकी इस कार की जो डायमेंशन होंगी वो सेम ही है पहले वाले वेरियंट से। बाकी आप साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, चारों डोर हैंडल्स आपको क्रोम प्लेटेड मिलते हैं। कीलेस एंट्री आपको पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों तरफ मिलती है। ORV में आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। ये जो हम वेरिएंट देख रहे हैं डीजल वेरिएंट है 2.4 में। विंडो क्रोम गार्निश भी इस वेरिएंट में आपको मिल रही है। बाकी बाहर शोर बहुत है, अब अंदर थोड़ी आपको थोड़ा क्लियर वॉइस आएगी। बाकी इसके चारों पावर विंडोज के कंट्रोल हैं ड्राइवर साइड डोर पे, कार लॉक अनलॉक। ये पावर विंडोज के पावर विंडो आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं चाइल्ड सेफ्टी के लिए। ORVMs इसमें ऑटो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी हैं। और ये इसकी जॉयस्टिक है, लेफ्ट करा तो आपका लेफ्ट वाला ORVM एडजस्ट, राइट वाला तो राइट वाला हो जाएगा। चूज कर सकते हैं ऐसे करके, एडजस्ट आपको फिर अपने अकॉर्डिंगली से करना ही होगा। क्रोम डोर हैंडल आपको यहाँ भी मिल जाता है ड्राइवर साइड, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ हुआ है। और ये जो आपका इसमें टोयोटा की गाड़ियों में आता है डीजल फिल्टर का जो भी सिस्टम आता है उसकी कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ये आप अपना वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन फिनिश का भी यूज़ हुआ है डैशबोर्ड पे, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ आता है और ये पूरा वहाँ तक होते हुए जाएगा। अब जो मेन चेंज है मैं आपको सीधा सीधा क्या थोड़े बहुत ओवरव्यू देता रहता हूँ कार का। स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर स्टिच मिलता है, इसमें आपको ब्लैक स्टिचिंग नहीं मिलती, थोड़ी कॉपर कलर की स्टिचिंग है। टोयोटा का लोगो सेंटर मिल ही जाता है, यहाँ पे SRS एयर, दो एयरबैग तो फ्रंट में है ही। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इसका, ये है इसका म्यूजिक सिस्टम या इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो अब एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले है इसमें, पहले नहीं आता था, अब एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले टोयोटा के इनोवा क्रिस्टा में आ गया है। ये सारे इसके AC कंट्रोल्स हैं, ये इसका MID या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो पहले वाले मॉडल से सेम ही है।
बाकी यहाँ पे भी वुडन फिनिश का यूज हुआ है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। ट्विटर की प्लेसमेंट आगे की गई है दोनों डोर्स पे, उधर भी है। और ये क्या चीज है, ओ चाबी लगा के खुलेगा कैसा कुछ है क्या, क्या नई चीज आई है, हम तो ये वाला खोल के देखते हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स है, कूल्ड भी आपको मिल रहा है। बाकी ये चीज़ मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ जी, तो मैं लेफ्ट साइड आ गया, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। ग्लव बॉक्स ही, और इसमें आप सेफ्टी के लिए इसे लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सारे आपके मोड्स हैं, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे है। नीचे आपको 12 वॉट्स का चार्जिंग पोर्ट और एक USB पोर्ट भी आपको मिल जाता है जो 2.1 का है। और यहाँ पे आपको जो क्रोम्स कफ प्लेट्स होती हैं उनके चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे रस्टिंग आ जाती है गाड़ियों में 5-6 साल बाद। इसमें वो इशू नहीं आएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, आ भी सकता है पर इतना मेरे को तो नहीं लग रहा नहीं है। अगर आता है तो लोग बताएं मेरे को, ये कमेंट में बताना। यहाँ पे आपको ऐसे कप होल्डर मिल जाते हैं दोनों तरफ। रूफ पे आइए, अब इसका ओ सॉरी मैं रूफ का दिखाना आपको भूल गया, सॉरी गेट बंद है। वैसे मैं यहीं से बता देता हूँ, सनग्लास होल्डर आपको रूफ पे मिल जाता है। और यहाँ पे लाइट्स, आपको लाइट्स की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है, ऑन ऑफ, राइट वाला अलग करना है, लेफ्ट वाला अलग करना है, डोर पे रखना है, काफ़ी फीचर्स हैं। और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है रूफ पे, जो मैंने कई बार अपनी देखा है पड़ोसी की गाड़ी में, और रात को लुक बहुत अच्छी देते हैं। ये रहा सेकेंड एयरबैग की बैजिंग, बी पिलर पे तो नहीं लिखे, बाकी हैंड रेस्ट इसका तो ये रहा, उस पर भी आपको सेम स्टिचिंग मिल जाती है। सामान रखने की जगह भी बतेरी है। हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक पे भी इन्होंने वही रैक्सिंग का यूज़ किया हुआ है कार के लुक को एनहेंस करने के। एक हप होल्डर मिलता है आपको यहाँ, ये इसका गियर नॉब है। इस पर खाली हल्का सा आपको यहाँ सिल्वर फिनिश मिलेगी या क्रोम फिनिश आप कह लो, पियानो ब्लैक फिनिश का कोई यूज़ नहीं है। 5 गियर आते हैं इस गाड़ी में, चलते हैं इस कार की रेयर सीट्स पे। बैठ के दिखाने की तो कुछ खास जरूरत है नहीं, लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको वही ट्रे भी मिल जाती है मैक्सिमम, जिसपे आप 10 kg का लोड रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन, USB पोर्ट आपको ऊपर मिल रहा है। यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह है, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ भी मिलते हैं रेयर सीट, लेफ्ट वाली रेयर सीट पे। मैगजीन होल्डर आपको दोनों सीट्स के पीछे मिल रहे हैं। रेयर रेसिमेंट्स आपको ऊपर मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको इसमें मिल रही है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए रेसिमेंट्स यहाँ पे हैं। और बाकी आपको चारों डोर्स पे आपको यहाँ पे हैलोजन लैंप मिल जाएगा। कभी रात को आप कहीं एकदम अंधेरे वाले रोड पे गेट खोलो तो ध्यान रहता है, ऐसे दिन वाली में भी रहता है। चारों ही डोर्स पे है, इधर से भी आप देख लो गाड़ी। तो एड्रेस इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एड्रेस मिलते हैं, सातों के साथ एडजस्टेबल है। आपको इसका बूट खोल के क्या देखा, सेम ही है। रेयर वाइपर डिफॉगर भी इस वेरिएंट में आपको मिल रहा है। ये इसके फ्यूल रिफिलिंग कैप, अरे यार मेरी प्राइस लिस्ट आ गई, ओए मेरी प्राइस लिस्ट ले गया क्या कोई, हाँ जी कोई ले गया, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस कार की प्राइस लिस्ट है, पर्ल वाइट में। आप टोयोटा में किसी भी कार के पास जाए, कोई भी कार लेंगे पर्ल वाइट में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होता है। जो हमने 7 सीटर ऑप्शन देखा था, 2.4 VX7 मैनुअल ट्रांसमिशन, तो ये है आपका एक्चुअल प्राइस है 21,68,500। और यही आप इसे नॉर्मल में देखते कोई और कलर में तो वो है 2.4 ये VX7 मैनुअल ट्रांसमिशन, ये है 21,59,000, 8-9 हज़ार का फ़र्क आ जाता है पर्ल वाइट कलर लेने हैं। बाकी और भी किसी वेरिएंट की प्राइस देखने हैं तो आप यहाँ पे अपनी वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाउंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मी लेटेस्ट वीडियोज ऑन कार्स। और कोई भी टोयोटा की कार लेनी हो, 36 टोयोटा जरूर आना, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।